नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ आर एस एंटरटेनमेंट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने हैं आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर्स वो कौन से हैं, किन टीम्स ने उन्हें खरीदा है, किस सीजन में किस एडिशन में उन्हें खरीदा है और कितनी बड़ी रकम देकर खरीदा है। आईपीएल के एडिशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही इन प्लेयर्स की रकम भी बढ़ते जा रही है। पहले मैक्सिमम प्लेयर को खरीदा जाता था 13 करोड़ में, 14 करोड़ में, लेकिन अब प्लेयर्स को 17 करोड़ में रिटेन और ऑक्शन में खरीदा जा रहा है। तो इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है डेविड वार्नर का। सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें 2018 में 12.5 करोड़ देकर रिटेन किया है। इसके बाद नंबर 9 पर नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी। राइजिंग पुणे सुपर जायंट ने 2016 में 12.5 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। ये साल राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए पहला साल था और वो एक अच्छे कप्तान की तलाश में थे। नंबर 8 पर नाम आता है दिनेश कार्तिक का। 2014 में दिनेश कार्तिक पर काफ़ी भरोसा दिखाया गया दिल्ली डेयरडेविल्स के द्वारा और इन्हें भी 12.5 करोड़ देकर दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया। नंबर 7 पर नाम आता है इस लिस्ट में युवराज सिंह का। इन्हें आरसीबी ने खरीदा था 2014 में 14 करोड़ रुपए देकर। और इस ऑक्शन में आरसीबी की ओर से विराट कोहली का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है युवराज सिंह को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। हालांकि ये सीजन युवराज सिंह के लिए उतना अच्छा नहीं रहा और नेक्स्ट ईयर ये फिर से ऑक्शन का हिस्सा हो गए। इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है बेन स्टोक्स का, जिन्हें खरीदा गया राइजिंग पुणे सुपर जायंट के द्वारा आईपीएल 2017 में 14.5 करोड़ की रकम देकर। इससे पहले बेन स्टोक्स ने आईपीएल में नहीं खेला था और जिस एडिशन में ये आए उसी एडिशन में इन्हें 14.5 करोड़ में खरीद लिया गया। तो दोस्तों, ये तो रहे 10 से लेके 6 नंबर तक के वो प्लेयर्स जो महंगे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं टॉप 5 प्लेयर्स की, जहां पर 5वें नंबर पर नाम आता है क्रिस मॉरिस का, जिन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने इसी ईयर रिटेन किया था, यानी 2018 में रिटेन किया है 15 करोड़ रुपए देकर। और इसके बाद नंबर 4 पर नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी को भी आईपीएल 2018 में सीएसके के द्वारा रिटेन किया गया 15 करोड़ रुपए देकर। अब बात करते हैं टॉप 3 प्लेयर्स की जो महंगे रहे हैं, जिनमें नंबर 3 पर नाम आता है मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2018 में पहले ही रिटेन कर लिया और इनकी रकम इन्हें मिली 15 करोड़ रुपए। इनके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है, ये 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने इन पर हाथ आजमाया था, वो है युवराज सिंह। 2015 में इन्हें 16 करोड़ रुपए देकर दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। इसके बाद नंबर 1 पर नाम आता है आईपीएल के इतिहास में इतनी बड़ी रकम में कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं किया गया और कोई भी प्लेयर को ऑक्शन में नहीं खरीदा गया। उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। आरसीबी ने इन्हें इसी ईयर यानी आईपीएल 2018 में 17 करोड़ रुपए की रकम देकर रिटेन किया है। तो दोस्तों, ये तो रही लिस्ट आईपीएल 2018 से लेकर आईपीएल 2008, 11 साल के एडिशन के ऑक्शन में कौन से प्लेयर सबसे महंगे बिके हैं या फिर उन्हें रिटेन किया गया है। दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें आईपीएल के बारे में। और आईपीएल से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिल रही हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। धन्यवाद।